नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यहां पर ट्राइडेंट की, और ट्राइडेंट में बात करने के पीछे रीजन भी है क्योंकि यहां पर स्टॉक आप देखेंगे तो अभी कुछ एक लेवल है जहां पर स्टॉक आपको बिल्कुल ठहरा हुआ नजर आ रहा है। तो यहां से हमें ऊपर की तरफ चलना चाहिए या फिर नीचे की तरफ का अपना टारगेट रखना चाहिए, इस पर हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। वही दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया कि स्टॉक आपके लिए जो 42 रुपीस का एक रेजिस्टेंस है, अगर वहां पर स्टॉक आपको रुकता हुआ नजर आता है, कंसोलिडेट करता है, तो बहुत ही जल्द आपके पास 45 रुपीस के टारगेट देखने को मिलेंगे। लेकिन स्टॉक वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया और आपके लिए 40 रुपीस के नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, आप 40 कुछ भी लेकर के चल सकते हैं। लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छी चीज हमें देखने को मिली, जो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले हमारे पास इनका मंथली डाटा देखने को मिला। और मंथली डाटा में अगर आप देखेंगे तो नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा कि मंथली डाटा के अंदर थोड़ा सा आपके लिए डिक्रीज भी देखने को मिला और इंक्रीज भी देखने को मिला, मतलब एक मिला जुला आपको डाटा यहां पर देखने को मिला मंथली। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि अभी स्टॉक यहां पर कंसोलिडेट करता है, और जैसे ही ये स्टॉक 42 रुपीस का लेवल टच करता है, उसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है, आपको डेफिनेटली यहां से तगड़े टारगेट मिल सकते हैं क्योंकि अभी कंपनी वापस से अपने पुराने लेवल्स पर आने वाली है। और यहां पर स्टॉक में भी आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिलने वाली है, जिसका रीजन क्या है कि कंपनी पे आप अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका रीजन क्या है कि आपको उसके बिजनेस पर भरोसा है, आप उसके बिजनेस पर फोकस करके अगर चल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में हर तरह से प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और ये जो न्यूज होती है, कभी कभी आप देखेंगे तुरंत इस पर काम हो जाता है मार्केट के अंदर, कभी पहले और कभी बाद में। तो यहां पर अभी आपको 2-4 दिनों के बाद स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिलने वाली है, तो इसलिए इस बात को नजर में जरूर रखिएगा। क्योंकि अभी अगर स्टॉक की हम बात करें तो 38 रुपीस का एक सपोर्ट बन चुका है और स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा हो, ये बात आपको चार्ट पे समझ में भी आएगी कि स्टॉक हमेशा इन लेवल्स पर कंसोलिडेट करता है, और कंसोलिडेट करने के बाद आपको एक बेहतरीन मूव देखने को मिलता है जहां से आप मिनिमम 10% का टारगेट लेकर के चल सकते हैं। तो अगर आपने ट्राइडेंट होल्ड कर रखा है तो एक अच्छा टाइम है, इसको और मजबूती के साथ आप होल्ड कर सकते हैं और इससे आप बेहतरीन रिटर्न बना सकते हैं। हाल फिलहाल के समय की बात कर रहा हूं, बाकी 38 रुपीस का आपका सपोर्ट है ही इसके अंदर, और लॉन्ग टर्म में जो आपने निवेश करने का इसके अंदर प्लान किया है वो डेफिनेटली आपके लिए यहां पर प्रॉफिट देने वाला है। आपको अगर यहां पर ट्राइडेंट के बारे में सारी चीजें समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और स्टॉक अगर आप होल्ड कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है ट्राइडेंट के आगे फ्यूचर में, फिलहाल मेरी तरफ से ट्राइडेंट एक अच्छा मल्टीबैगर स्टॉक अब तक रहा भी है और आने वाले समय के अंदर भी हमें यहां से बेहतरीन रिटर्न देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों यहीं खत्म करते हैं, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकते हैं, आपको वहां पर अच्छी से अच्छी अपडेट मिलती रहती है। भाई अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको लाइफ टाइम हमारी तरफ से फुल सपोर्ट मिलेगा और फर्स्ट स्टॉक हमारी तरफ से आपको फ्री मिलेगा।